बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर कीज हुसैन जान बलोच की सदारत में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास उनके दफ्तर में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर हुसैन जान ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुस्तहिक बेवा खवातीन के पैसों पर कटौती पर समझौता नहीं करेंगे। हमें कई दुकानदारों के मुतालिक शिकायत मिली जो बेवा गरीब और मुस्तहिक खवातीन के पैसों पर 500 से 1000 रुपए तक कटौती कर रहे हैं। इस मौके पर हबीब कॉन्टैक्ट के एजेंटों ने बताया कि हमें हबीब लिमिटेड कनेक्ट के डिविजनल मैनेजर हुजैफा और बीडीओ अहमद जान एक बंडल पर 4000 रुपए जबकि एक कार्ड यानी एक बेनिफिशरीज पर 100 रुपए की रिश्वत तलब करते हैं जो हम पर इजाफी बोझ है। ऐसे सूरत हाल पर हम अपनी जेबों से रिश्वत के पैसे नहीं दे सकते। जिस पर डीसी कीच की हिदायत पर पुलिस ने हबीब बैंक लिमिटेड के 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 1,32,00,000 रुपए कटौती करने का इल्ज़ाम है। दुकानदारों ने बताया कि हबीब कनेक्ट वाले हमें ब्लैकमेल करके हमारी डिवाइस सिस्टम को बंद कर लेते हैं और हमसे पैसे वसूल करते हैं। इस दौरान डीसी कीच ने एसी तुर्बत मोहम्मद हसीब शुजा को हिदायत की कि आप स्टेट बैंक को नोटिस भिजवा दें ताकि वो हबीब बैंक लिमिटेड के मुतालिक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस मौके पर डीएसपी कीच इमाम बलोच अंजुमन ताजरान कीच के सदर इसहाक रोशन मौजूद थे। मजीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।